कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे हो गए। सो फैमिली, आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश। तो क्या हुआ, बहुत आपके साथ मैं पहला फिश करी, मतलब यूट्यूब पे मतलब डाल रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं बनाती थी, नहीं डाली हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं हल्दी, नमक और लाल मिर्ची थोड़ा सा, और सरसों लहसुन का पेस्ट मैं मछली में डालती हूँ, तो उसका पेस्ट भी डाल दे रही हूँ थोड़ा सा, और जीरा का पाउडर, ये सबको मैं मिक्स करके करीब 15 से 20 मिनट टाइम है, तो आधा घंटा भी आप छोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है ना, नमक थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि उसमें जो पानी निकलता है ना, तो उससे अच्छा फिश फ्राई होता है। जैसे मिक्स कर कर मैं इसको तल लूँगी, क्योंकि दोपहर का समय था, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रखी थी, 15 मिनट ही रखी थी। इसके बाद एक कढ़ाई में नॉनवेज में बनाती हूँ, और यहाँ पे मैं राइस पहले बनाकर कुकर को हटा दूँगी, क्योंकि फिर छीटा पड़ता है, देख सकते हैं। मैं दूसरा वाला गैस का हटा भी दी हूँ उसका स्टैंड, और देख सकते हैं फीस का बहुत पड़ता है, तो मुझे मतलब तो फीस बनाने का मन ज़्यादा नहीं करता। टेस्टी तो बहुत लगता है फिश करी, क्योंकि फिर बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए सरसों का तेल में मैं बनाती हूँ, इसको मैं फॉग से अच्छे से उलट पुलट दूंगी, और बिल्कुल क्रंची टाइप का, रेड टाइप का उसको तलती हूँ, देख सकते हैं। और मेरे हस्बैंड को भूजा हुआ फ्राई फिश बहुत उनको पसंद है, तो ऐसे करके मुझे 3 बार 1 kg फिश था। यहाँ पर अच्छा फिश महाराष्ट्र में नहीं मिलता है, मतलब पूरा ज़िंदा, फिर भी टेस्टी ही लगता है हम लोग तरफ जितना। तो यहाँ पे मेरी बेटी को मैं फिश खिलाती हूँ, क्योंकि फिश में प्रोटीन है, और तो इसीलिए देखिए वो उसको फिश ही ज़्यादा पसंद है, वो कुछ और नहीं खाती है ज़्यादातर नॉनवेज में। तो यहाँ पे काला नमक चाट मसाला के साथ ज़्यादातर खा लेती हूँ, 2-4 पीस जो मुंडी होता है वो सबको ग्रेवी लगाती हूँ पूछी, क्योंकि ग्रेवी में बस उसका ग्रेवी ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें जीरा और राई का और एक छोटा सा प्याज का पेस्ट मतलब डालकर फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए लाल मिर्ची कलर वाली डाल दूँगी, और जो मसाला पीस के रखी थी ना, गोल की जीरा और पीली वाली सरसों, और इसमें लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ। सबको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और इसको ढककर नमक डालकर, क्योंकि सरसों का पेस्ट ना जब तक अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो टेस्टी नहीं बनता है। और रेहू फिश मैं बना रही हूँ, तो ज़्यादातर हम लोग रेहू फिश ही खाते हैं, क्योंकि उसी का टेस्ट अच्छा लगता है। यहाँ पर एक टमाटो डाली हूँ, इसको भी अच्छे से मैं डालकर ढक दूँगी, और इसका देख अपने आप देख सकते हैं वो तेल छोड़ने लगता है, बस पानी डाल दूँगी। और ये चावल के साथ ही हम लोग खाते हैं, और गए थे मार्केट थोड़ा सब्जी लाना है, लाए थे, और कुछ कुछ जो सामान था कि डीएन मार्ट के भी गए थे, वहाँ से भी किराना वगैरह, क्योंकि कल मेरी मम्मी लोग आने वाली है, मेरी बहन, मायके के फैमिली, तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, इसी ब्लॉग में आप लोग के साथ मैं मिलाऊँगी उन लोग से। तो यहाँ पे देखिए बन गया है, और भूख बहुत तेज लग गया था, वो तो खाए थे जैसे भूजा हुआ फिश, लेकिन फिर भी करीब 4 बज गया था, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इसको करते करते, शाम हो गया था, तो रात को भी फिश करी बच गया था, तो सिर्फ रोटी बनाए थे। यहाँ पे देखिए गैस वगैरह सारा क्लीन कर ली हूँ, और इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरी मम्मी, मेरे मायके के फैमिली, मतलब सिर्फ मेरे पापा नॉनवेज खाते हैं, इन लोग नहीं खाती है, तो अच्छा फिर अच्छा नहीं लगता ना बनाने में, और मेरी मम्मी तो बिल्कुल नहीं खाती थी। यहाँ पे देखिए पालक लाए थे, धनिया पत्ता, सबको मैं तोड़ दे रही हूँ, क्योंकि फिर कल टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो अभी खाना वाना खाकर शाम हो रहा था, तो तोड़ के इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये पालक अभी अच्छा आ रहा है मार्केट में, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादातर सब्जी, हरा सब्जी मतलब पालक वगैरह अच्छा नहीं आता है, यहाँ पे बहुत बारिश हुआ था ना इसकी वजह से। तो देखिए फ्लावर, कुछ सब्जी लाए थे, भिंडी, बैंगन, और फिर लाऊंगी सोम बाज़ार लगता है यहाँ पे, सोची थी कि 2 दिन के लिए ले आती हूँ, फिर क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा सब्जी लाना है, मतलब सब्जी तो ज़्यादा ही लगेगा ना, ज़्यादा फैमिली बढ़ जाएंगे, तो इसलिए देखिए थोड़ा बहुत ले आए थे। उसके बाद मैं इसको साफ को अच्छे से साफ़ करके फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे सिंगदाना है, सिंगदाना को भी मैं रख दे रही हूँ, जो जो मुझे ज़रूरत था तो किराना वो रख ले रही हूँ, फिर ज़्यादा सबको मैं रख देती हूँ स्टोर, एक बॉक्स है ना उसमें से ही निकाल निकाल के करती हूँ। तो बस ये सब करते करते रात हो गया था, तो अगले दिन मेरे हस्बैंड जाएंगे लाने मेरी मम्मी को, क्योंकि उन लोग अकेले ही आ रही है, मेरे पापा नहीं आ रहे हैं साथ में, उनको छुट्टी नहीं था, तो मतलब 8 दिन के लिए आएंगे इन लोग को साथ में ले जाने के लिए। यहाँ पे देखिए करीब 3 साढ़े 3 बजे ही गए थे, तो बहुत ठंडी यहाँ पे, तो कैप वैप सब लगा के गए थे मेरे हस्बैंड। यहाँ पे आ गई है मेरी, ये दोनों मेरी बहन है, और ठंडी तो है ही, मेरी मम्मी बेचारी सबसे लंबा जर्नी इस बार की है, क्योंकि इससे इतना मतलब 2 दिन का सफ़र नहीं की थी, तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा था, पता नहीं कैसे करेगी। और सीट भी इसका ऊपर वाला मिल गया था, मतलब बीच वाला, 3rd AC में था टिकट। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी बहुत खुश थी, वो नहा फिच के रेडी हो गई है, क्योंकि नानी के आने का खुशी में।
ऐसा लग रहा है। बड़ी जल्दी उठ गई आज तेरे, तो उठती है 9 बजे। यहाँ पे नहा फिश कर सब रेडी हो गए हैं, क्योंकि ट्रेन 2 दिन का जर्नी करके आई थी। तो यहाँ पे देखिए आलू गोभी का सब्जी बनाई हूँ, बहुत टेस्टी बना था, मेरी बहन ही बनाई है। और फिर जलेबी लेने ले आए थे मेरे हस्बैंड गरम गरम, क्योंकि बनता है यहाँ पास में ही। और ये है आलू गोभी का सब्जी, मेरी बहन खाएगी। उसके बाद मम्मी मेरी ले आई थी कुछ मेरे लिए, तो वो सब निकाल निकाल के दे रही है कि रख लो। तो कुछ बड़ी था और मुरब्बा था आंवला का, और आंवला का अचार था मिर्च डालकर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुरब्बा आंवला वगैरह पसंद है। ये है तिलकुट, बिहार का फेमस। तो मेरे पापा गांव गए थे, तो उधर से बंगाल में तो नहीं मिलता है। मेरी मम्मी बंगाल से, मतलब बंगाल में है, मेरा मतलब मायके से बिहार में ही है, लेकिन पापा मेरे जॉब बंगाल में करते हैं, तो बिहार जाते ही रहते हैं दादी के पास, तो वहीं से लाए थे। और ये है वहाँ काली घाट का प्रसाद, मेरी मम्मी गई थी तो लेकर आ रही है। ये देखिए मुरब्बा है और मिर्ची और आंवला का अचार है, और ये है तिलकुट गुड़ वाला, इसमें भी है और वो भी है। ये काली माँ का प्रसाद ये सब दे दे रही है। और फिर नाश्ता वास्ता करके थोड़ा इन लोग बिग बॉस देख रही थी, मैं भी देख रही थी। उसके बाद मैं खाना का तैयारी करूँगी, क्योंकि फैमिली ज़्यादा रहते ना, तो एक साथ मिलकर काम भी बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। हो भी जा रहा था मम्मी से बात कर करके कि बहुत दिन बाद मिले, तो ज़्यादा दिन तो नहीं हो रहा, 3 महीना ही हो रहा है, क्योंकि मैं मायके गई थी। आप लोग अगर ब्लॉग नहीं देखे हो मायके का तो देखिएगा, मेरे चैनल पर है, मैं डाली मतलब उस समय गई थी तो वीडियो बनाती थी। तो यहाँ पर देखिए मैं दाल को मिक्स कर रही हूँ, लहड़ मूँग और तूर दाल बोलते हो ना, लाड़ को बोलते, तो वही मेरी मम्मी बोल रही है कि छिलका वाला दाल खाती है, लेकिन हम लोग को छिलका वाला पसंद है। और मूंग का यहाँ पे देखिए दोपहर का खाना बना दी हूँ, पालक डालकर दाल बनाई हूँ, और सब्जी तो सुबह में बनाई थी ना, वही सब्जी था। तो इन लोग बोली कि चोखा सिर्फ बना दो, क्योंकि ज़्यादातर आलू का चोखा ही पसंद है मेरी बहन लोग का। तो बस खाना निकाल देना है, सब एक ही साथ बैठ जाएंगे खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं मुझे भूख नहीं है, क्योंकि वो लेट से आए थे तो नाश्ता किए थे, लेट से ही मतलब गए थे ना ऑफिस मेरे मम्मी लोग को छोड़कर ही। तो बोले तुम लोग खा लो, और इनको मम्मी को पहले देख सकते हैं खिला दे रहे हैं दामाद जी, क्योंकि वो उसको बैठने में थोड़ा ना घुटना में दर्द रहता है मेरी मम्मी को, तो प्रॉब्लम होता है। तो टेबल है ना, तो टेबल भी मेरा कांच का है तो टूटा हुआ है, तो उसको वहाँ पर भी बैठने में नहीं, तो चेयर मम्मी को बेडरूम में लगा रहे थे। तो फिर देख सकते हैं मम्मी मेरी यहीं पे खा रही है, और वो नहीं खा रहे हैं, तो बोल भी रही मम्मी कि इनको भी दो, तो इनके यहाँ आए हैं तो इनको ही खातिरदारी करना पड़ेगा ना, मम्मी के यहाँ जाते हैं तो मेरी मम्मी सबसे पीछे खाती थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ऐसे भूख नहीं था, इसलिए फिर वो खाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सब साथ में मिलकर मैं कहाँ कहाँ घूम घूम के खा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग। पनीर होगा, पनीर बटर वाला। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो फैमिली, आप लोग देख चुके हो कि मेरी मम्मी लोग आ गई है, मेरी बहन लोग हाय करो रे, हाय हाय करो। हाँ हाय हाय, यही मेरा होगा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड, और यहाँ पे पाव भाजी चल रहा है। ये लोग बोली हम लोग को पाव भाजी खाना है। ये तो इतना, ये तुम्हारा हुआ है। अब पहले ये वाला खोलो, पाव भाजी लगा। अभी यही खाना है, आज खाना नहीं बना, शाम को आज ही आई है इन लोग। सो फैमिली, यहाँ पे देखिए पाव भाजी, भाजी बहुत ज़्यादा दे दिया था, पाव बिल्कुल कम। और भाजी तो देख सकते हैं पनीर वाला था, पनीर डाला हुआ था, और मेरी बहन पनीर नहीं खाती है छोटी वाली, तो उसके लिए सादा लाए थे। तो मतलब उतना अच्छा नहीं था जितना मतलब लग रहा था देखने में, तो इन लोगों को तो उतना पसंद नहीं आया जितना उधर खाती है, फिर भी खा ली सब लोग। तो बस यही रात में इन लोग खाई थी। फिर हम अपने लिए रोटी बनाए थे बाजरी का, क्योंकि बताया था ना बहुत मतलब पतला पतला दिया था पाव, ऐसा सोचे नहीं थे कैसा देगा। मैं यहाँ पे का खाती हूँ, एक दो बार खाई हूँ, लेकिन याद नहीं था कहीं मतलब ये होटल से लाए थे कि अच्छा देगा, होटल वाला ही भी अच्छा नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए बाजरी की रोटी ना मैं प्लास्टिक चिपका कर करती हूँ, पिसवाई थी ना, दिखाई थी कि मैं छत पे डाली थी, तो क्योंकि ठंडी का मौसम में अच्छा लगता है बाजरी का रोटी खाना। तो मम्मी तो और मैं खाई थी बस, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाए थे, उनको भूख नहीं था। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं सेक दे रही हूँ गैस पे धीमे धीमे, और बस बन गया। हेलो गाइस, देख सकते हैं, वेलकम टू माय चैनल। देख सकते हैं तेल लगा चल रहा है, मेरी बहन मेरी बेटी को लगा रही है, और मम्मी मिली। नमस्ते, नमस्ते।
यहाँ बेचारी मेरी मम्मी देख सकते हैं तेल लगा रही है। चल खा खाना। रूपा कैसा लगा पाव भाजी यहाँ का? किसी को पसंद नहीं आया? कैसा लगा पाव भाजी? दुनिया का सबसे बकवास, यहाँ का फेमस है लेकिन पैसा भी लग गया और किसी को पसंद नहीं आया। भाजी तो इतना दे दिया और पाव कैसा दिया रे? पाव दम छोटा छोटा सा दिया था। हम लोग क्या है ना यहाँ का पाव भाजी, मैं तो खाती ही नहीं, मुझे इतना पसंद है नहीं पाव भाजी, तो इन लोग को पसंद था वहाँ की खाई हुई है, लेकिन वहाँ बोल रही अच्छा मिलता ना, खा के ना नफरत हो गया पाव भाजी से। हड्डी मत तोड़ देना, सीधा कर के खा, सीधू सारे किस्म तोड़ दे। मम्मी को गोल गोल बड़ा बड़ा पाव रहा, एकदम डबल डबल लग रहा था, तो उठल उठल, अरे एकदम पौवा एकदम देले लग रही कि एक दो पाव की एक पाव। भाजी में ज्यादा तेल नहीं होता, इस बाप ने कितना तेल लगा, सब्जी बना दिया, कोई सब्जी भी मांगता हो नहीं दे रहा, सब्जी ये है थोड़ा रेस्टोरेंट था उसी में तो जाते हैं खाने, बड़ा सारा उसमें बहुत भीड़ था, वैसे बना के दिया है, क्या करोगे जान दो, एक बार टेस्ट कर लेना, अब दूसरा जगह के भलो कहीं मिलेगा तो टेस्ट करवाएंगे शायद अच्छा देंगे। स्टेशन पर भी बनाता है, इनका ऑफिस है ना वहाँ से लाएंगे। सो फ्रेंड्स अभी बनाए हैं बाजरी का रोटी, पाव तो बस थोड़ा सा ही सबके लिए लाए थे, लेकिन इतना छोटा छोटा था ना कि एकदम ही खत्म हो गया, तो अभी मम्मी हम खाएंगे, ऐसे भूख ना है, भाजी के साथ बाजरी का रोटी खाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं तेल मालिश सब का चल रहा है। उसके बाद बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, अभी मेरी मम्मी लोग तो रहेगी आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाएंगे, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय करो रूपा से, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मेरी मम्मी ये जानती अभी 8 बज रहे थे, गुड इवनिंग। सब फैमिली चलिए अच्छा लग रहा है, अभी सब लोग आए हैं, घर भरा भरा बिल्कुल लग रहा है, देख सकते हैं बेडशीट का हाल, कंबल सब लोग।